हेलो स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसको एक्सप्लेन करने से पहले हम ब्रीफ में कोवलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन करते हैं। हमने दो एटम कंसिडर किए, एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन। हाइड्रोजन के वैलेंस सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये दोनों एटम अपनी वैलेंस सेल को फुल्ली फिल्ड करने के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेंगे। तो शेयरिंग करने के बाद ये दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों एटम के लिए काउंट होंगे। क्लोरीन के पहले 7 इलेक्ट्रॉन थे, अब ये भी शामिल हो जाएगा तो कितने हो गए, 8। हाइड्रोजन के पास 1 था, अब ये भी शामिल होने के बाद 2। तो दोनों एटम की वैलेंस सेल फुल्ली फिल्ड हो गई। तो अब H और Cl के बीच में एक पेयर आ गया। ये इलेक्ट्रॉन का पेयर दोनों एटम ने शेयरिंग करके साझा करके बनाया है, इसलिए क्या कहलाएगा, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू ये दोनों एटम आपस में अटैच हैं, मतलब इस पेयर ने इन दोनों को बाउंड कर रखा है। तो ये कोवलेंट बॉन्ड है, इसको हमने सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट किया है। एक पेयर है तो सिंगल लाइन आती है। ये ब्रीफ में हमने 10th क्लास में पढ़ रखा है। कोवलेंट बॉन्ड के बारे में डिटेल में आएगा नेक्स्ट नेट के अंदर, यहां इतना ही बता रहे हैं। अब जो अपने पास ये शेयर्ड पेयर है, इस पेयर को ये दोनों एटम अपने टुवार्ड्स अट्रैक्ट करेंगे। क्यों अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि एटम के न्यूक्लियस में क्या है, प्रोटॉन्स। वो प्रोटॉन जिनका पॉजिटिव चार्ज है, इन नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन को अपने टुवार्ड्स अट्रैक्ट करेंगे। तो एटम की वो पावर जिससे वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने टुवार्ड्स अट्रैक्ट करें। तो एटम की ये प्रॉपर्टी बॉन्डेड के केस में अराइज होगी, मतलब जब एटम ने बॉन्ड फॉर्म कर रखा है, जब एटम ने मोलिक्यूल फॉर्म कर रखा है, तब ये प्रॉपर्टी आती है। ये सिंगल एटम की प्रॉपर्टी नहीं है, किसकी है, ये बॉन्डेड एटम की, जो एटम बॉन्ड के अंदर है। तो ये हमें क्लियर होगा डेफिनेशन इसकी, क्या है ये, इट इज द पावर ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवार्ड्स इटसेल्फ इन ए मॉलिक्यूल। इट इज जस्ट ए नंबर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक नंबर है, इसको हम मेजर नहीं कर सकते। जैसे दूसरी पीरियोडिक प्रॉपर्टी है, जैसे आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, उनको एक्सपेरिमेंटली मेजर किया जा सकता है। ये एक जस्ट नंबर है, इसको थ्योरेटिकली कैलकुलेट करते हैं, मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है। और क्योंकि एक नंबर है, एक संख्या है, इसलिए इसकी कोई यूनिट नहीं होती। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे हमने बताया थ्योरेटिकली डिटरमाइन की जाती है, तो उसको मेजर करने के डिफरेंट मेथड्स हैं, डिफरेंट स्केल्स फॉर्म कर रखी हैं। उनमें जो मोस्ट कॉमन स्केल है वो दी है पोलिंग ने, जिसको हम पोलिंग स्केल कहते हैं। इस पोलिंग स्केल पे फ्लोरीन को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी असाइन कर रखी है, आर्बिट्रेरीली एक वैल्यू दे रखी है फ्लोरीन को, कितनी, 4। ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये रेफरेंस मान रखा है, और इसकी वैल्यू 4 मान के बाकी दूसरे एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैलकुलेट की जाती है। तो हमें ध्यान रहे, ये एक्सपेरिमेंटली मेजर नहीं की जाती, ये थ्योरेटिकली कैलकुलेट की जाती है। और कैलकुलेट करने के लिए फ्लोरीन को रेफरेंस मान रखा है, और वैल्यू कितनी दे रखी है उसको, 4। और फ्लोरीन ध्यान रहे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। नेक्स्ट आता फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी। फैक्टर में फर्स्ट है एटॉमिक साइज, जितना एटम का स्मॉल साइज होगा उतना ही वो शेयर्ड पेयर को अपने टुवार्ड्स स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करेगा। तो हम क्या कहेंगे, जितना एटम का स्मॉल साइज है उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, एंड वाइस वर्सा मीन जितना एटम का बड़ा साइज है, मतलब इसके रिवर्स जो पहले लिखा, जितना एटम का बड़ा साइज है उतनी उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है।
न्यूक्लियर चार्ज भी कह सकते हैं। न्यूक्लियर चार्ज और साइज ऑलमोस्ट एक ही बात है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है तो स्मॉल साइज है, तो हम ये भी कह सकते हैं जितना एटम का न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है उतना उसका स्मॉल साइज होगा और उतनी उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। सेकेंड फैक्टर है स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन अभी हमने नहीं पढ़ा है, ये नेक्स्ट यूनिट में आएगा, यहाँ ब्रीफ में बता देंगे एक बार। हाइब्रिडाइजेशन तीन तरह की है, हम बता रखी हमने एसपी, ये एसपी हम जानते हैं ऑर्बिटल्स हैं। एसपी का मतलब दो ऑर्बिटल आपस में मिक्स होते हैं, कंबाइन करते हैं, एक एस और एक पी। sp2 का मतलब है एक s ऑर्बिटल है, दो p ऑर्बिटल हैं, और sp3 का मतलब है एक s ऑर्बिटल है और तीन p ऑर्बिटल हैं। तो यहाँ sp दो ऑर्बिटल हैं, इट मीन्स 50% s है, 50% p है। यहाँ डबल बॉन्ड है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो s कितना है 100/3, क्योंकि तीन ऑर्बिटल हैं तो a का कितना हिस्सा आ जाएगा 33.3, और यहाँ चार ऑर्बिटल है तो 100/4, एक में कितना है 25%, तो यहाँ s का 25% है। ये पहले हमें क्लियर हुआ कि किस हाइब्रिडाइजेशन में कितना s करैक्टर है। अब ये देखें, जितना s करैक्टर ज्यादा है उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि s सबसेल न्यूक्लियस के क्लोजेस्ट है, और s सबसेल का इलेक्ट्रॉन है वही न्यूक्लियस के साथ मोस्ट टाइटली बाउंड है, उसी को न्यूक्लियस मोस्ट स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करता है। तो ये हम यहां से कंपेयर कर सकते हैं कि जितना s का परसेंटेज ज्यादा है उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। और एक बात यहां से और नोट करेंगे, किसी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कांस्टेंट नहीं होती, वो डिपेंड करती है, यहां से देखें बॉन्डिंग पे डिपेंड करेगी। ट्रिपल बॉन्ड अगर कार्बन है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट होगी, क्योंकि इसमें 50% s फैक्टर है। डबल बॉन्ड वाले की से कम होगी, तो ये ऑर्डर में हम लिख सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाईएस्ट है, सिंगल वाले की मिनिमम है, लोवेस्ट है। तो किसी भी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कॉन्स्टेंट नहीं है, वो डिपेंड करती है फैक्टर्स पे, चेंज हो सकती है। थर्ड फैक्टर है ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब एक तरह से कहीं एटम का चार्ज। जितनी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीडेशन स्टेट के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एग्जांपल देखें, आयरन का 3 चार्ज है, 3 स्टेट है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव 1.96, 2 पॉजिटिव चार्ज है तो 1.83। तो जितना चार्ज ज्यादा होगा एटम का, जितनी उसकी स्टेट ज्यादा होगी उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होगी।